हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है हमारे चैनल फैशन डिजाइनिंग में। कल जो ड्रेस हमने बनाया था, यानी जो अपर पार्ट हमने बनाया था, उसमें हम आज आपको चैन लगाना बताएंगे कि कैसे लगाते हैं। मैंने ये भी कहा था कि आपकी मर्जी है, आप बैक में क्या यूज़ करना चाह रहे हैं, तो हम जो यूज़ करेंगे वो इसमें चैन करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारे पास चैन है। चैन लगाने के लिए मैंने वन फुट, जो वन साइड पैर होता है फुट का, यानी ये हमारा होता है डबल साइड, जो सिंगल साइड होता है उसका हम इस्तेमाल करेंगे। आप राइट और लेफ्ट कोई भी ले सकते हैं जिसमें आपका आसानी हो, या दोनों को चेंज करके आप बारी बारी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस तरीके से अपने पार्ट्स को रखेंगे। एक मिनट, इस तरीके से आप इन्हें लेंगे। ये मेरा बैक पार्ट है और अपनी चैन ले लेंगे। चैन अपनी सुविधा अनुसार लेंगे। आपको बड़ी लगानी है या छोटी लगानी है, तो मैं इसमें पूरे में चैन लगानी है। जितना चाहे आप, चाहे तो इतने में लगा सकते हो या पूरे में लगा सकते हो। आप चाहे तो साइड में भी लगा सकते हो। मुझे बैक में यूज़ करना है तो मैंने बड़ी चैन ली है, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग जो मेरी इसकी लेंथ है। ये देखिए, ये हमारी चैन है जो इस टाइम बंद है और फैब्रिक पे नहीं अटैच हुई है। तो हम अपनी सबसे पहले अपनी चैन को इस तरीके से ओपन करेंगे। आपको जिधर भी सूटेबल लगे आप उस साइड लगाइए पहले। इस तरीके से आप कपड़ा रखेंगे अपनी चैन को। ये देखिए कि आपकी चैन इस तरीके से आनी है इस पे फैब्रिक पे, और आपका जो फैब्रिक है वो ऐसे रहने वाला है इसके ऊपर। तो आप क्या करेंगे, इसे जो आपकी चैन है उसे अपने इस साइड अपने फैब्रिक पे रखेंगे। इसको रखूँगी मैं, ये देखिए इस तरीके से। अब जो चैन मैंने अपने फैब्रिक पे रखी है, फैब्रिक मेरा सीधा है और चैन मेरी उल्टी साइड है। ओके, मुझे अब इस साइड से अपनी चैन लेके जानी है क्योंकि मेरी जो फुट है वो इस साइड है। तो मैं अपने फैब्रिक को घुमा लूँगी एक बार। मैंने ये भी आपको कहा है कि आपको जिस तरीके से सही लगे आप उस तरीके से, और अपनी फैब्रिक और चैन को माप लीजिए। ऐवे मत लगाइए कि आप कुछ भी लगा दें, तो इन्हें माप लेना, क्योंकि मेरी जो चैन है वो काफ़ी बड़ी है फैब्रिक पे, तो मैं आसानी से यूज कर सकती हूँ। सेकेंडली, मेरा दोनों पार्ट्स ओपन है तो मुझे यहाँ पे भी एक बेनिफिट मिलता है कि ओपन हो करने का। अगर आपका ओपन नहीं है तो आप क्या करेंगे, उसे थोड़ा सा स्टक करके थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे। और जो आपका ये वाला जो चैन एरिया है, ये इसे अपनी फिंगर से थोड़ा सा ओपन करेंगे इस तरीके से, ताकि आपकी जो सिलाई है वो बिल्कुल इसके पास आए। और सबसे पहले आपको अपनी सिलाइयाँ चेक कर लेनी, कितने पॉइंट पर लगानी है, और आप लॉक कर दीजिए अपनी सिलाई को। बिल्कुल पूरी सिलाई आप ऐसे ही पास करके और इसे थोड़ा अपनी फिंगर से पलट देंगे और सिलाई लगाएंगे। आप जब थोड़ा सा अपनी फिंगर से अपनी चैन को इस डाउन करते हैं तो आपको आसानी होता है उसमें सिलाई लगाना, इस तरीके से। और आप बहुत आसानी से इसे लगा लेंगे। चैन लगाने से क्या होता है कि आपके फैब्रिक में काफ़ी अच्छी फिटिंग आती है और उसे पहनना भी थोड़ा सा आरामदायक हो जाता है। जब आप इसे सीधा करेंगे तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा और ये ऐसे पलटी जाएगी। ओके, तो हमने एक साइड तो अपनी चैन लगा ली है, दूसरी साइड हमें इसे लगाना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक बार अपनी चैन को बंद कीजिए कि कहीं आपकी सिलाई चैन पे तो नहीं दब गई है, और दूसरा आपका जो पॉइंट है उस पर चौक से मार्क कर लेंगे कि जिस तरीके से ये ऐसे, क्योंकि आपको दूसरी वाली साइड भी मार्किंग से ही से लगाना है।
आप ऐसे ही कुछ भी नहीं कर सकते, तो मार्किंग होना बहुत ज़रूरी है। हमने एक साइड चैन लगा चुके हैं, अब हमें इस चैन को दूसरी साइड लगाना। आप फिर से इसे ओपन करेंगे अच्छे से, इस बार हमें क्या करना है कि हमारा जो फुट है वो अब इस साइड आ गया है, इसको ऐसे आप रखेंगे यूं आपको, और जो ये आपकी मार्किंग है इसे बिल्कुल नेक के पास रखेंगे क्योंकि हमें इसी पे सिलाई लगानी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी जो चैन है वो तिरछी हो जाएगी, आपको फिर से निकाल के उसे लगाना होगा। तो ऐसा गलती हम नहीं करेंगे, हम बिल्कुल ध्यान दे के सिलाई को, इसमें भी आपको वही प्रोसीजर अपनाना है, अपनी चैन को इस तरीके से ओपन करना है ऐसे, और इसे कंप्लीट कर लेना है इस तरीके से। आप इसे कंप्लीट कर लेंगे, ये कंप्लीट हो चुकी है, और अब आप इसे सीधा करके बंद करेंगे। एक तो ये आपकी गुम सिलाई हो जाती, बिल्कुल आपका पता भी नहीं चलता कि आपने यहाँ पे चैन लगाई है। और बंद करके देखना बहुत ज़रूरी है, कई बार क्या होता है कि जब हम सिलाई करते हैं तो हमारी सुई थोड़ी सी चैन पे जा भी सकती है, तो वो देखना बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिए जो हमारी चैन है वो बिल्कुल इक्वल लगी है, देखिए, और बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही कि हाँ यहाँ पे हमने चैन का इस्तेमाल किया है। ये देखिए जो आपकी ये जो बाहर निकले हुए हैं इनको आप क्या करेंगे, इसके अंदर लेके आएंगे और सिलाई से बंद कर देंगे इस तरीके से, तो ये यहाँ से बंद हो जाएगी और एक तरीके से लॉक भी बन जाएगा। ओके, आप अच्छे से देख पा रहे होंगे कि मैंने एक ही सिलाई का इस्तेमाल किया कि दोनों साइड एक एक सिलाई लगाई है, मैंने दूसरी सिलाई तो लगाई भी नहीं है और फिर भी ये बिल्कुल गुम है। देखो कब फैब्रिक के ऊपर कोई सिलाई नहीं है कि मैंने इसको थोड़ा अटैच किया या कुछ भी किया, एकदम आप इस तरीके से बिल्कुल गुम सिलाई। हम चाहते हैं तो इसे एक फैब्रिक के अंदर भी डालकर बिल्कुल जैसे मैंने ये जो नेक है आर्म होल जो गुम किया है ऐसे ही हम चैन को भी कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा आपको दिखाना था कि जो बिगनर है वो इस तरह गुम नहीं लगा सकते हैं, तो हमें ऐसे भी हम वो चैन लगा सकते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाता है चैन लगाना। मेरा नीचे से ओपन है तो जब हम मैं इसके नीचे को जिस कपड़े की मैं इसके नीचे ड्रेस बनाऊंगी इसको बंद करूंगी तब मैं इसे यहाँ पे लॉक कर दूंगी और यहाँ से इसे कट कर दूंगी। अगर यही आपकी बंद यहाँ से आप टक करते हैं तो इसी तरीके से आपको चैन लगाना होता है, बस जब जहाँ पे आपका लॉक है यानी यहाँ तक आपने फैब्रिक स्टिच किया हुआ है तो थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा प्रॉब्लम होता है बिगनर के लिए, लेकिन जिनको लगाना आ जाता है तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी इसी तरीके से लगती है। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी चैन, और ये बहुत ईजी थी जो कि हमने इतनी जल्दी लगा ली है। ओके बाय फ्रेंड, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। ओके बाय बाय।